Hello dear students, welcome back to our channel. So today we are going to start with a new topic, that is development of embryo. सबसे पहले तो एक चीज बोलना चाहूंगी कि जिन स्टूडेंट्स को प्रोजेक्टर का लेक्चर अच्छा लगता है उनके लिए तो इट इज वेल एंड गुड, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को प्रोजेक्टर के लेक्चर से थोड़ा सा पॉइंट्स या नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है, प्लीज बेयर विद दिस सेशन, क्योंकि अभी जब मैं आगे बढ़ूंगी तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत ज्यादा डिटेल डायग्राम दिया गया है जो कि ड्रॉ करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और शायद आपको उतना बेटर अंडरस्टैंडिंग ना हो जितना डायरेक्टली जब आप प्रोजेक्टर से देखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो. ओके, सो लेट्स बिगिन. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो. लास्ट लेक्चर में हमने एक चीज देखी थी कि व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म का मतलब क्या होता है? द न्यूट्रिटिव पार्ट ऑफ द सीड या द न्यूट्रिटिव पार्ट ऑफ द ओव्यूल व्हिच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द जायगोट. ओके, और एक चीज हमने ये भी देखी थी कि दोनों साइमल्टेनियसली डेवलप होते हैं, मतलब पहले फीमेल एग सेल फर्टिलाइज होता है तो जायगोट बनता है और फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस फर्टिलाइज होकर एंडोस्पर्म बनता है. तो आज हम देखने वाले हैं कि एम्ब्रियो मतलब जो जायगोट वाला पार्ट है वो कैसे डेवलप होता है. लास्ट लेक्चर में हमने जायगोट का खाना कैसे बनता है मतलब एंडोस्पर्म कैसे बनता है वो तो बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिया था, उसके टाइप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब आज हम देखने वाले हैं कि एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट है मतलब जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जो जायगोट है उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी व्हाट इट इज. सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं डेवलपमेंट एम्ब्रियो का. द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जायगोट इनटू एन एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस. क्या बोला इधर पे कि आपका जब जायगोट बनता है फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज जायगोट. जायगोट मींस फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट व्हेन दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ डिप्लॉइड सेल. मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं एक डिप्लॉइड सेल बनाने के लिए उस सेल को हम जायगोट बोलते हैं. अब वो सेल आगे मेच्योर होगा, मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा तो जायगोट से वो डेवलप होकर क्या बन जाता है? एम्ब्रियो. ओके, ह्यूमन के केसेस में अगर कंसिडर करें तो जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस. ओके, सो यहां पर क्या होगा? जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, फिर एम्ब्रियो से आगे सीड बनेगी. ओके, सीड से फ्रूट और फिर फ्रूट से वो जो सीड होगी उससे नया प्लांट. ओके, सो देखो यहां पर क्या दिया गया है. द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जायगोट इंटू एन एम्ब्रियो मतलब जब जायगोट गेट्स कन्वर्टेड और डेवलप इंटू एम्ब्रियो दैट प्रोसेस इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस. Embryogenesis means what? Embryo means developed zygote and genesis means formation. So formation of embryo is embryogenesis. Okay? ID kya diya gaya hai? The embryo is developed at the micropylar end of embryo sac. Kya bola gaya hai humko yahan par? This is your ovule. Matlab this is your embryo sac. Ye aapka ovule hai. Integuments. This is embryo sac. यहाँ पर आपका सिनर्जिक था, यहाँ पर आपका एग सेल और यहाँ पर आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस और यहाँ पर एंटीपोडाइस. तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है? द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो. आई एम सो सॉरी, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है? द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो मतलब ये जो जायगोट है हमारा, दिस फीमेल एग सेल प्लस ये मेल गैमेट के साथ जो फ्यूज हुआ था, सो दिस जायगोट इट्स डेवलपमेंट टेक्स प्लेस वेयर एट द माइक्रोपाइलर एंड. किधर पे हो रहा है इसका डेवलपमेंट? माइक्रोपाइलर एंड के साथ. मतलब लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि माइक्रोपाइलर एंड के पास ही हमेशा जायगोट रहता है क्योंकि वहीं पर उसका फ्यूजन हुआ होता है. सो द एम्ब्रियो सैक एम्ब्रियो इज डेवलप्ड एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक. जायगोट ऑलवेज डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो वेयर एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक. व्हाट इज गिवन अहेड? द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो ट्रिगर्स ओनली. कब होती है एम्ब्रियो की ग्रोथ? द ग्रोथ ट्रिगर्स ओनली आफ्टर सर्टन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड. मतलब क्या बोलने की कोशिश हो रही है यहां पर कि एम्ब्रियो कब ग्रो होगा? जब थोड़ा सा एंडोस्पर्म हमारे पास बन जाएगा. जैसे कि अगर आप ये डायग्राम देखें तो ये हमारा जायगोट है. क्या है ये हमारा? हमने सिर्फ जायगोट लिया है. यहाँ पर हमारा जायगोट है, ये जायगोट डिवाइड हो रहा है, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हुआ. इनिशियल माइटोसिस इसने किया. अब इनिशियल माइटोसिस करने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर नीचे कि वेट इट्स नॉट दिस
या आप ये भी देख सकते हैं और ऊपर वाला डायग्राम भी देख सकते हैं, तो इट्स नो डिफरेंस। हाँ ये देखते हैं, ये हमारा जाइगोट है, ये जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड हुआ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो सेल में डिवाइड हो गया है। अब ये जाइगोट डिवाइड होने से पहले, मतलब ये ऊपर वाला एम्ब्रियो वाला पार्ट डिवाइड होने से पहले एंडोस्पर्म डेवलप होगा। जब एंडोस्पर्म काफी हद तक डेवलप हो जाएगा, मतलब वो सफिशियंट 6 to 10 सेल्स बना लेगा, तब जाइगोट का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। सो इट इज वेरी ऑब्वियस, जब तक जाइगोट के लिए खाना नहीं बन जाता तब तक जाइगोट कैसे डिवाइड हो सकता है, और जाइगोट का खाना क्या है, एंडोस्पर्म। सो हमेशा याद रखो, पहले एंडोस्पर्म डेवलप होगा, फिर जाइगोट, और फिर दोनों साथ साथ में मैच्योर होते होंगे। अब बहुत स्टूडेंट्स को डाउट आएगा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि दोनों साइमल्टेनियसली डेवलप होते हैं। करेक्ट, साइमल्टेनियसली डेवलप होते हैं, क्योंकि दोनों का फर्टिलाइजेशन भी साइमल्टेनियसली होता है। फीमेल एक फर्टिलाइज होती है एक मेल गैमेट के साथ, और सेकेंडरी न्यूक्लियस फर्टिलाइज होता है दूसरे मेल गैमेट के साथ। लेकिन ये याद रखना भी बहुत जरूरी है कि जाइगोट को आगे डेवलप होने के लिए उसको थोड़ा न्यूट्रिशन तो चाहिए, तो एक स्टेज आगे एंडोस्पर्म होता है, मतलब पहले एंडोस्पर्म डेवलप होता है और उसके तुरंत बाद जाइगोट डेवलप होता है। ओके, सो देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है, वो जो पॉइंट हम पढ़ रहे थे, लेट्स कंटिन्यू विद दैट। द एम्ब्रियो डेवलप्स ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट, द एम्ब्रियो डेवलप्स ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। थोड़ा सा एंडोस्पर्म बन जाएगा तो उसके बाद आपका एम्ब्रियो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बिगिंस। क्या बोला है हमको इधर पे कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कब होती है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जायगोट बन जाता है, और जब जायगोट बन जाएगा तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, और अब देखते हैं आगे क्या दिया गया है। द जायगोट डिवाइड्स टू फॉर्म टू सेल प्रो एम्ब्रियो। क्या बोला गया है हमको इधर पे कि हमारा जो जायगोट है वो दो सेल में डिवाइड हो रहा है। किसमें डिवाइड हो रहा है, दो सेल में। ऊपर हमने देखा था, वापिस मैं दिखाऊंगी डायग्राम, ऐसा कुछ डायग्राम था, यहाँ पर जायगोट था, ये जायगोट दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। सो द जायगोट डिवाइड्स टू फॉर्म टू सेल प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो मीन्स अ स्टेज बिफोर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो मतलब क्या होता है, अ सेल विच इज फॉर्म बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, मतलब प्रीवियस स्टेज, अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। ओके, द लार्जर सेल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल इज कॉल्ड बेसल और सस्पेंसर इनिशियल सेल, एंड द स्मॉलर सेल टुवर्ड्स द चलाजा इज कॉल्ड, द स्मॉलर सेल इज कॉल्ड टर्मिनल और एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल। अब ये इतने डिफिकल्ट जो नाम है इसका मीनिंग क्या है, ये समझने के लिए हम पहले ऊपर वाला डायग्राम देख लेते हैं अच्छे से, क्योंकि उस डायग्राम में ही ये पूरा डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन किया गया है। ओके, अब ये चीज जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सब लोग इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुने और अपने टेक्स्ट बुक में बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखें। ओके, सबसे पहला ये डायग्राम है और डायग्राम का डिस्क्रिप्शन हमको राइट साइड में दिया गया है। सो फर्स्ट डायग्राम, द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू सी इज दिस थिंग, ए पार्ट। सबसे पहले हमको क्या देखना है, ए पार्ट। ये ए वाला पार्ट क्या है हमारा, इट इज द ऊस्पोर, मतलब अवर जाइगोट, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे ये डेवलप होगा। सो द फर्स्ट सेल इज अवर ऊस्पोर, ए इज ऊस्पोर। व्हाट इज बी, बी में देखो तीन लेबलिंग्स है, एक ई, एक टी और एक एम, ऐसे तीन लेबलिंग्स दी गई हैं आपको बी में। सो देखते हैं कि क्या क्या है। व्हाट इज बी, इट इज द टू सेल प्रो एम्ब्रियो। क्या है हमारा बी, जो फर्स्ट सेल डिवाइड हो रहा है दो सेल में, सो अवर बी इज अवर प्रो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के पहले वाला स्टेज। ओके, और उस प्रो एम्ब्रियो में ये तीन लेबलिंग्स क्या दी गई हैं। व्हाट इज द ई वाला पार्ट, स्मॉल ई रिप्रेजेंट्स व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स एम्ब्रियोनल इनिशियल, मतलब जिससे आपका एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियोनल इनिशियल मतलब फर्स्ट एम्ब्रियल सेल, एम्ब्रियोनल सेल, जो आगे जाके आपका मेन एम्ब्रियो बनाएगा। सो दैट इज ई। व्हाट इज टी, स्मॉल टी रिप्रेजेंट्स व्हाट, स्मॉल टी रिप्रेजेंट्स सस्पेंसर इनिशियल। व्हाट इज स्मॉल टी रिप्रेजेंट्स, सस्पेंसर इनिशियल। क्या है सस्पेंसर इनिशियल का काम, हम देखेंगे। अब भी हमने नीचे पढ़ा था कि एम्ब्रियोनल इनिशियल मींस माइक्रोपाइलर पार्ट एंड सस्पेंसर इनिशियल मींस चलाजल पार्ट, द लोअर पार्ट। ओके, ऑलराइट, देन नेक्स्ट बी वन,
और बी डैश एज यू कैन कॉल इट. पहले ए देखा हमने, फिर हमने बी देखा, अब देखो बी डैश में क्या दिया गया है. वहां पर देखो लेबलिंग में बी डैश में क्या दिया गया है. व्हाट इज बी डैश? इट इज अ फोर सेल आई शेप प्रो एम्ब्रियो. क्या बोला गया है? ये बी डैश में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये चार सेल बन गए हैं, एक दो तीन चार. सो टू सेल से फोर सेल स्ट्रक्चर, क्योंकि माइटोसिस हो रहा है. सो इट इज अ फोर सेल आई शेप. ये देखो ऊपर एक लेयर है एम और नीचे एक लेयर है, मतलब दीज आर योर मेम्ब्रेन, ओके, विच आर कवरिंग द एम्ब्रियो. सो दीज आर द दिस बी डैश इज योर फोर सेल आई शेप प्रो एम्ब्रियो. ओके, ए इज योर ओस्पोर, बी इज योर टू सेल प्रो एम्ब्रियो, बी डैश इज योर फोर सेल प्रो एम्ब्रियो आई शेप. आई क्यू? बिकॉज ऊपर भी एक मेम्ब्रेन है, नीचे भी एक मेम्ब्रेन है. सी ई वन ई टू क्या होगा? ई वन विल बी अवर एम्ब्रियोनल इनिशियल वन एंड ई टू विल बी इट्स कॉपी. एस टू क्या है? इट इज द सेकेंड सेल ऑफ सस्पेंसर इनिशियल. एस वन क्या है? फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर इनिशियल. तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर कैसे डेवलपमेंट हो, मतलब कैसे डिवाइड हो रहे हैं सस्पेंसर सेल्स, नीचे से ऊपर की तरफ. दिस इज वन, दिस इज टू, फिर थर्ड सेल, फिर फोर्थ सेल, फिर फिफ्थ सेल. सस्पेंसर सेल्स का डिविजन कैसे होगा? नीचे से ऊपर की तरफ होगा. कैसे होगा? नीचे से ऊपर की तरफ. पहले वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर. एस. सो बी डैश हमने देख लिया. अब सी में क्या होगा? देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं. तो पहला हमारा एम्ब्रियो क्या है? ए, सिंगल जाइगोट. यह सिंगल जाइगोट फर्स्ट माइटोसिस करके क्या बनाता है? टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियो, जिसमें से अपर रीजन को जहां पर एक्चुअल जाइगोट है उसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोनल इनिशियल, और जो नीचे वाला पार्ट है सस्पेंसर वाला पार्ट उसको हम बोलेंगे सस्पेंसर इनिशियल, टी वाला पार्ट. ओके, फिर ये टू सेल से फोर सेल स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं आई शेप स्ट्रक्चर. अब ये फोर सेल से सस्पेंसर सेल्स में और डिवीजन आपको देखने को मिलेगा, तो आपका स्ट्रक्चर नंबर आता है सी. व्हाट इज योर स्ट्रक्चर नंबर सी? सी इज नथिंग बट, या इट इज द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो. व्हाट इज सी? इट इज द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. ओके, सी यहां पर देखो क्या दिखाई दे रहा है कि सस्पेंसर सेल्स डेवलप हो रहे हैं, मतलब एक था पहले, एक से दो, दो से फिर चार, ऐसे चार से छह सेल्स, छह से दस सेल्स डेवलप हो जाते हैं. यहां पर एच का मतलब क्या है? एच मीन्स व्हाट? व्हाट इज स्मॉल एच? स्मॉल एच इज योर हाइपोफिसिस. इसका इंपॉर्टेंस हम नीचे देखेंगे, यहां पर हम पहले लेबलिंग समझ रहे हैं. ओके, स्मॉल एच मीन्स हाइपोफिसिस. हाइपो मीन्स द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल. वापिस बोलती हूँ, बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि मैम ये तो हाईएस्ट पार्ट है, ये एच तो सबसे ऊपर है. नहीं, हम इसको ऐसे नहीं देख रहे, मतलब हम इसको यहां से यहां नहीं देख रहे, हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में देख रहे हैं. सॉरी, हम कैसे देख रहे हैं सस्पेंसर सेल्स को? डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब नीचे फर्स्ट सेल, फिर सेकंड सेल ऊपर, फिर थर्ड सेल ऊपर, फिर फोर्थ सेल ऊपर. ओके, ऐसे सबसे बड़ा वाला सेल नीचे होगा और फिर धीरे 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 करके हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर से नीचे नहीं आएंगे. सो हमारा सी वाला स्ट्रक्चर क्या है? फर्दर डेवलप्ड स्ट्रक्चर. फिर इसके बाद आता है डी. यहां पर देखो ये कैपिटल ई क्या बताता है? दैट इट इज द एम्ब्रियो. ओके, जो स्मॉल ई मिलके डिवाइड हुए हैं वो अब कैपिटल ई बन गया, मतलब यहाँ पर एम्ब्रियो बन चुका है और ये आपके सस्पेंसर सेल्स डिवाइड हो चुके हैं. अब डी वाला स्ट्रक्चर क्या है? व्हाट इज डी? इट इज एलएस ऑफ ओव्यूल एंडो. इट इज द एलएस ऑफ ओव्यूल एंड एंडो एंडोस्पर्म इन प्री न्यूक्लियर स्टेज. क्या बोला गया है हमको इधर पे? दैट डी स्ट्रक्चर इज द एलएस ऑफ ओव्यूल. आपका ये ओव्यूल है, इसके अंदर ये एम्ब्रियो सैक था, एम्ब्रियो सैक के अंदर ये जो जाइगोट यहाँ पर बना था, ये सिनर्जिक समझो बर्स्ट हो गए, ये जाइगोट और ये एंडोस्पर्म. तो इसको ऐसे कट, ऐसे लेटरल साइज से कट करके इसका पिक्चर यहाँ पर इमेजिन करना है आपको. सो डी इज योर एलएस ऑफ ओव्यूल. यहाँ पर देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है. ये आपका एंटी मीन्स एंटीपोडल सेल्स है जो डीजनरेट हो जाएंगे. दिस इज योर एम्ब्रियो, सॉरी दिस इज योर एंडोस्पर्म. ये जो डॉटर दिखाई दे रहा है आपको, दीज आर योर एंडोस्पर्म. दिस ई इज योर एम्ब्रियो, मतलब इसको ही यहाँ पर इमेजिन करो. दिस ई इज योर एम्ब्रियो, एच इज योर हाइपोफिसिस एंड एस आर योर सस्पेंसर सेल्स. देन नेक्स्ट ई. ई वाला स्ट्रक्चर क्या बता रहा है हमको? व्हाट इज ई?
It is embryo showing further development of embryonic octants and hypophysis. Embryonic octant मतलब एक celled stage. Octant मतलब क्या होता है जिसमें एट cells बन जाते हैं. So यहाँ पर आपका ये जो embryonic ये E structure जो है ये E वाला जो structure है That is your embryo which is showing the further development of the embryonic octants. मतलब यहाँ पर जो ये embryonic octant बना था चार इस तरफ चार पीछे की तरफ वो और ज्यादा डेवलप हुआ. माइटोसिस कैसे होता है एक से दो सेल दो से चार चार से आठ फिर आठ से एट टू सिक्सटीन ऐसे डबल 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 होते जाते हैं. ओके सो यहाँ पर ये डेवलप्ड एम्ब्रियो है. दिस इज योर हाइपोफिसिस एंड दिस इज योर सस्पेंसर रीजन. ओके फिर आता है आपका नेक्स्ट पार्ट दैट इज एफ. व्हाट इज एफ व्हाट इज एफ एफ इज नथिंग बट यस इट इज द एलएस ऑफ ओव्यूल एंडोस्पर्म बिकमिंग सेल्यूलर. हमने ऊपर देखा था एलएस ऑफ ओव्यूल सेम ये एलएस ऑफ ओव्यूल ही है लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ये एंडोस्पर्म पहले से एक 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 डॉट था अब यहाँ पर सेल्यूलर हो रहा है. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. जब आपका सेल वॉल बनने लग जाता है तो उसको हम सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म बोलते हैं. तो यहाँ पर आपका एंडोस्पर्म क्या हो रहा है सेल वॉल फॉर्मेशन हो रहा है हर एक न्यूक्लियस के बाजू में. अगर आपको लास्ट लेक्चर याद है तभी आपको ये समझेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ. सेल वॉल फॉर्म हो रहा है मतलब क्या हो रहा है. पहले स्टेज में हमने देखा कि एंडोस्पर्म डेवलप हो रहा है. अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एंडोस्पर्म के जो न्यूक्लिया है उनके बाजू बाजू में सेल वॉल तैयार हो रही है. ओके ये आपका एम्ब्रियो. अब ये पूरा क्लस्टर्ड स्ट्रक्चर है ठीक है. इसको सिर्फ आप इमेजिन कर सकते हो डायग्राम में देखकर एकदम अच्छे से समझ में नहीं आएगा. सो दिस इज योर एम्ब्रियो जो पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है. ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था ऐसा इफ यू रिमेम्बर. ओके सो दिस इज योर एम्ब्रियो एंड दिस इज योर सस्पेंसर पार्ट ऑफ द सेल. ये एंटीपोडल सेल्स जो पूरी तरीके से यूटिलाइज हो चुके हैं पूरी तरीके से यूज हो चुके हैं. नाउ कम्स योर जी. व्हाट इज द जी इट इज एम्ब्रियो. ओके व्हाट इज जी इट शोज एम्ब्रियो एंड कॉटिलेडॉन्स. एंड जी में देखो क्या क्या दिखाई देगा आपको. आपको एम्ब्रियो दिखाई देगा. यहाँ पर आपका एम्ब्रियो है. एम्ब्रियो किसमें कन्वर्ट हो चुका है योर एम्ब्रियो हैज बीन कन्वर्टेड इनटू कॉटिलेडॉन्स. ओके एम्ब्रियो ने ही फर्दर क्या ग्रोथ दिखाई है कॉटिलेडॉन्स की ग्रोथ दिखाई है. यही कॉटिलेडॉन्स आपको आगे नीचे की तरफ क्या दिखाएंगे हाइपोकोटाइल और रेडिकल. ठीक है हाइपोकोटाइल और रेडिकल भी देखने को मिलेगा. ये सब हम थ्योरी में देखेंगे कि क्या क्या है. हम पहले लेबलिंग समझ रहे हैं हाइपोकोटाइल और रेडिकल. एंड व्हाट इज आरसी इट इज द रूट कैप क्योंकि रेडिकल जो है वो रूट बनता है और क्लिम्यूल जो है वो शूट बनता है. एंड दिस इज द सस्पेंसर पार्ट. ये सस्पेंसर पार्ट ऑफ द सेल. ओके नेक्स्ट एच. व्हाट इज एच. एच इज योर मैच्योर सीड. अब ये सीड बन चुकी है जिसमें आपके ये हाइपोकोटाइल रीजन है ये रेडिकल है जो रूट बनेगा जब आप सीड को मिट्टी में डालेंगे उसके नीचे का रूट कैप ये बनेगा. आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है रूट कैप का फंक्शन क्या होता है रूट को प्रोटेक्ट करना और अंदर जाने के लिए रास्ता बनाना. दिस इज योर प्लीम्यूल जो ऊपर शूट सिस्टम बनाएगा. एंड दीज आर योर कॉटिलेडॉन्स. मोनोकॉटिलेडॉन में एक ही कॉटिलेडॉन बनेगा डाइकॉटिलेडॉन में दो कॉटिलेडॉन्स बनते हैं. ओके ऑल राइट हमने डायग्राम की लेबलिंग काफी अच्छे से देख ली है. अब हम एक्चुअली इसका थ्योरी रीड करते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. ओके सो यहां से हम स्टार्ट करेंगे. द जायगोट डिवाइड टू फॉर्म टू सेल प्रो एम्ब्रियो. जायगोट क्या हो रहा है दो सेल में डिवाइड हो रहा है मतलब पहले वो छोटा था एक सिंगल सेल था फिर वो डबल हो गया. सो इट डिवाइड्स इनटू टू सेल प्रो एम्ब्रियो. ऊपर अभी हमने देखा डायग्राम. लार्जर सेल को हम क्या बोलेंगे माइक्रो. लार्जर सेल विच इज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल इज कॉल्ड एज सस्पेंसर इनिशियल. सी दिस लार्जर सेल ये लार्जर वाला सेल जो माइक्रोपाइल की तरफ है दिस इज योर सस्पेंसर इनिशियल. और जो छोटा वाला है जो भी माइक्रोपाइल की तरफ ही है लेकिन अभी चलाजल साइड को वो फेस कर रहा है उसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोनल इनिशियल. याद रखो लार्जर सेल इज सस्पेंसर इनिशियल स्मॉलर सेल इज एम्ब्रियोनल इनिशियल. ओके ऑल राइट सो द लार्जर सेल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल इज कॉल्ड एज सस्पेंसर इनिशियल और बेस. एंड द स्मॉलर सेल टुवर्ड्स द चलाजा एम्ब्रियो जो ऊपर की तरफ है इट इज कॉल्ड टर्मिनल. टर्मिनल क्यों क्योंकि वो ऊपर की एंडिंग पॉइंट पे है. अगर आप यहां पर देखें
ध्यान से, तो ये देखिए ये एकदम ऊपर एकदम टिप पर, तो टिप पर है इस वजह से हम उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल और एम्ब्रियोनल इनिशियल। ओके, द सस्पेंसर सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली इन वन प्लेट टू प्रोड्यूस फिलामेंटस सस्पेंसर ऑफ 6 to 10 सेल्स। ये इनिशियल स्ट्रक्चर सेम है इसीलिए मैं यहीं से बता देती हूँ। एक्चुअली ये मोनोकॉटिलेडॉन का है और ऊपर डाइकॉटिलेडॉन का दिया गया है। इनिशियल स्टेप्स सेम है इसलिए यहीं देख लेते हैं। ये आपका जायगोट है, ये दो सेल में डिवाइड हुआ टू फॉर्म टू सेल प्रो एम्ब्रियो। नीचे वाला लार्जर पार्ट इज योर सस्पेंसर इनिशियल एंड द स्मॉलर पार्ट इज योर एम्ब्रियोनल इनिशियल। ऊपर हमको उल्टा बताया है, ऊपर स्मॉलर पार्ट ऊपर ड्रॉ किया है और लार्जर पार्ट नीचे ड्रॉ किया है। कंफ्यूज मत होना, सिर्फ इतना याद रखो लार्जर पार्ट ऊपर हो चाहे नीचे हो इट इज द सस्पेंसर इनिशियल, और छोटा वाला पार्ट जो छोटा सेल है वो ऊपर हो चाहे नीचे हो द स्मॉलर सेल इज योर एम्ब्रियो, क्योंकि सस्पेंसर में एंडोस्पर्म बनेगा और एम्ब्रियो आपका जायगोट है। ठीक है, और एंडोस्पर्म को हमेशा बड़ा ही होना है। तो इसके बाद क्या होगा, आपका सस्पेंसर में डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो सस्पेंसर के सेल्स है वो आपको डेवलपमेंट दिखाएंगे। ऊपर के डायग्राम में देखते हैं, ये देखो ये आपका जायगोट टू सेल प्रो एम्ब्रियो। अब ये सस्पेंसर इनिशियल में हमको क्या हो रहा है, 6 to 10 सेल्स दिखा रहे हैं कि ये एक सिंगल सेल है, 1 से 2, 2 से 4, फिर 4 से और उसकी ग्रोथ हो रही है। सो इट इज इंक्रीजिंग इन दिस ऑर्डर। सो दिस इज योर फर्स्ट सस्पेंसर एंड दिस इज योर लास्ट सस्पेंसर। प्लीज मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये वाला जो पार्ट है दिस इज हॉस्टोरियम। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट यही पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हॉस्टोरियम? हॉस्टोरियम इज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट और पार्ट ऑफ अ डेवलपिंग एम्ब्रियो विच हेल्प्स इन एब्सॉर्बिंग वॉटर एंड न्यूट्रिएंट्स। हॉस्टोरियम का क्या काम होता है, इट हेल्प्स इन एब्सॉर्बिंग वॉटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ओके, लेट्स सी। यस, सो व्हाट इज अवर नेक्स्ट पॉइंट, कि हमने क्या देखा, द सस्पेंसर सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली टू प्रोड्यूस फिलामेंटस सस्पेंसर ऑफ 6 to 10 सेल्स। व्हाट इज गिवन आफ्टर दैट, द फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर, द फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर मतलब हमारा सस्पेंसर ऐसे ग्रो हो रहा है राइट, ऐसे फिर ऐसे जा रहा है और यहाँ पर एम्ब्रियो है, ऐसे ग्रो हुआ है सस्पेंसर। अगर मैं सही बना लूँ तो दीज आर योर सस्पेंसर सेल्स, दिस इज योर हाइपोफिसिस, दिस इज योर एम्ब्रियोनल इनिशियल एंड दिस इज योर फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर। ठीक है, सो द फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड बिकम्स स्वोलन। ये फर्स्ट सेल जैसा हो गया है, वेरी ऑब्वियस ये इमेज इज गिवन कि दिस इज अ लिटिल श्रंकन स्ट्रक्चर और ये थोड़ा सा स्वेल हो गया। सो द फर्स्ट सेल बिकम्स स्वोलन एंड इट फंक्शंस एज व्हाट, इट फंक्शंस एज हॉस्टोरियम। और अभी मैंने हॉस्टोरियम का फंक्शन क्या बोला, इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हॉस्टोरियम, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ओके, द लोअर मोस्ट सेल ऑफ सस्पेंसर इज नोन एज हाइपोफिसिस। ये वाला लोअर मोस्ट क्यों बोला इसको, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था और मैं बार बार याद दिला रही हूँ कि सस्पेंसर सेल्स की ग्रोथ कैसे हो रही है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो नीचे वाला सेल फर्स्ट है और ऊपर वाला सेल लास्ट है। ओके, सो दिस इज द लोअर मोस्ट, दिस इज द लास्ट सेल विच इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज हाइपोफिसिस। ओके, क्या काम है इस सस्पेंसर का, क्या काम है, ये इतना लंबा चौड़ा ग्रोथ क्यों हो रहा है, द सस्पेंसर, द सस्पेंसर हेल्प्स इन पुशिंग द एम्ब्रियो इन द एंडोस्पर्म। ये सस्पेंसर क्या करेगा, हमारे एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म की तरफ धकेलेगा। मतलब कि अगर आप इमेजिन करें ये आपका ओव्यूल, यहां पर आपका समझो कि ये सिनर्जिक बर्स्ट हो चुके थे, ये आपका एग सेल है, यहीं पर जायगोट बना, मेल फीमेल फर्टिलाइज हो गए। ओके, तो यहां ये सेल जब डिवाइड हुआ आगे, ये बना सस्पेंसर सेल, लार्जर सेल आपका क्या बना, सस्पेंसर सेल। तो ये सस्पेंसर सेल क्या करेगा, यहाँ पर जो एंडोस्पर्म है ये उसको, ये सस्पेंसर सेल हमारी जायगोट को एंडोस्पर्म की तरफ धकेलेगा। किसकी तरफ धकेलेगा, ऊपर जो एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म जो है, ये जायगोट है जो टू सेल में डिवाइड हुआ, तो अब ये नीचे वाला जो सस्पेंसर सेल है ये एम्ब्रियो को किसकी तरफ पुश करेगा, द सस्पेंसर हेल्प्स इन पुशिंग द एम्ब्रियो इन द एंडोस्पर्म। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को खाना देने नहीं आएगा, एम्ब्रियो को भूख लगी है तो उसको खुद एंडोस्पर्म तक जाना पड़ेगा।
और एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म तक कौन पहुंचाएगा? सस्पेंसर सेल। ओके, जो नीचे जो लंबे वाले सेल्स है, ये जितने लंबे होंगे उतना एम्ब्रियो को पुश कर। ओके, द एम्ब्रियोनल इनिशियल अंडरगोस थ्री सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन टू फॉर्म ऑक्टेंट। लेट्स सी क्या बोला है हमको इधर पे, कि हमारा जो एम्ब्रियोनल इनिशियल है ये, लेट मी रन दिस, हमारा ये जो एम्ब्रियोनल इनिशियल है ये तीन माइटोटिक डिविजन्स दिखाता है। कितने डिविजन्स दिखाता है? थ्री माइटोटिक डिविजन्स। पहले माइटोसिस की वजह से क्या होगा? एक से दो सेल बनेंगे। सो फर्स्ट से ये फर्स्ट डिविजन हुआ, एक से दो सेल। ओके, नाउ सॉरी, यहां पर पहले एक से दो बनेंगे, फिर दो से चार। ओके, और अब यही चार से आठ, चार आगे की तरफ और चार पीछे की तरफ, क्योंकि ये एक 3D स्ट्रक्चर है। सो तीन माइटोसिस हुआ, पहले एक एम्ब्रियोनल इनिशियल था, डिवाइड हुआ, एक से दो बना, दो से चार बना। फर्स्ट डिवीजन में एक से दो, सेकंड डिवीजन में दो से चार, और थर्ड डिवीजन में चार से आठ। तीन माइटोसिस की वजह से हमको एक ऑक्टेंट स्ट्रक्चर मिला। चार आगे की तरफ दिखाई दे रहे और चार जो पीछे की तरफ है, इट्स अ 3D स्ट्रक्चर। सो हमको ये ऑक्टेंट स्टेज मिल गया। क्या मिल गया हमको? ये ऑक्टेंट स्टेज, एक सेल स्टेज। ओके, सो द एम्ब्रियोनल इनिशियल अंडरगोस थ्री सक्सेसिव डिविजन्स टू फॉर्म ऑक्टेंट। व्हाट इज गिवन अहेड? द प्लेन्स ऑफ डिविजन आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। ऊपर अगर आपने देखा होगा तो कुछ इस तरीके से डिविजन हो रहा है। ये आपका एम्ब्रियोनल इनिशियल, ये आपका सस्पेंसर सेल, ये जाने देते हैं, ये देखते हैं। यहाँ पर पहले दो बना होगा, एक ऐसा, फिर ये चार बना है, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा। सो ये सारे के सारे कैसे हैं? दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, और चार पीछे की तरफ। सो द प्लेन्स ऑफ डिविजन आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, वो परपेंडिकुलरली डिवाइड हो रहे हैं एक दूसरे को, ताकि वो एक प्रॉपर सर्कुलर स्ट्रक्चर बना सके। द लोअर टायर ऑफ फोर सेल्स ऑफ ऑक्टेंट गिव राइज टू हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल। प्लीज अंडरस्टैंड दिस लाइन। द लोअर टायर, टायर मीन्स द लोअर पार्ट, द लोअर पार्ट ऑफ फोर सेल्स ऑफ ऑक्टेंट, ऑक्टेंट में आठ सेल्स है, तो उसमें के चार सेल्स क्या बना रहे हैं? द फोर सेल्स आर मेकिंग हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल। चार सेल्स क्या बना रहे हैं? हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल। दिस द लोअर पार्ट इज मेकिंग हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल, एंड अपर पार्ट क्या बनाएंगे? वेयर एज द फोर सेल्स ऑफ अपर टायर दे फॉर्म व्हाट? दे विल फॉर्म द प्लिम्यूल, दे विल फॉर्म व्हाट? दे विल फॉर्म द प्लिम्यूल एंड द कॉटिलीडॉन। अगर मोनोकॉटिलीडॉन है तो एक कॉटिलीडॉन बनेगा, और अगर डाइकॉटिलीडॉन है तो दो कॉटिलीडॉन बनेंगे। एक बार फिर से देख लो वो लाइन क्या बनी गई है हमको। जस्ट लुक एट द डायग्राम, हमारा जो ऑक्टेंट एम्ब्रियो बना है, ये जो ऑक्टेंट एम्ब्रियो बना है, हाँ ये ऑक्टेंट एम्ब्रियो जो बना है, ये ऑक्टेंट एम्ब्रियो आगे जाके क्या बनाने वाला है? इसके फोर लोअर सेल, जो लोअर टायर की सेल्स है, वो फोर लोअर टायर के सेल्स क्या बनाने वाले हैं? लोअर सेल्स बनाएंगे कॉटिलीडॉन, सॉरी लोअर सेल्स बनाएंगे हाइपोकोटाइल और रेडिकल। क्या बनाएंगे? हाइपोकोटाइल और रेडिकल। और अपर सेल्स क्या बनाएंगे? प्लिम्यूल और कॉटिलीडॉन। सी वेरी सिंपल टू रिमेम्बर, जो चीज ऊपर जाने वाली है जैसे स्टेम और कॉटिलीडॉन मतलब लीव्स, तो वो ऊपर वाले सेल्स बनाएंगे, और जो चीज नीचे जाने वाली है जैसे रूट, ओके, और हाइपोकोटाइल जो रूट का पार्ट होता है, तो वो नीचे वाले सेल्स बनाएंगे। तो हमारा एम्ब्रियो, ये जो एट सेल एम्ब्रियो है, इसके चार अपर सेल्स, मतलब ऐसा इमेजिन करो कि ये 3D स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो का, चार आगे की तरफ है सेल्स, चार पीछे की तरफ है। तो ये ऊपर के चार सेल्स, दो आगे दो पीछे, ऊपर के चार सेल्स क्या बनाएंगे? फ्लुम्यूल और कॉटिलीडॉन, क्योंकि प्लिम्यूल मतलब स्टेम, जो ऊपर की तरफ ग्रो होगा, सॉइल के बाहर, लैंड के ऊपर आएगा। तो अपर सेल्स बनाएंगे प्लिम्यूल और कॉटिलीडॉन, और लोअर सेल्स जो जमीन के नीचे ही रहेंगे वो बनाएंगे रेडिकल और हाइपोकोटाइल। आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू। ओके, लेट्स मूव अहेड।
The hypophysis, let me just drop this. The hypophysis by further division gives rise to the part of reticle and root cap. Okay? Hypophysis जो था suspensor cell के नीचे हमने क्या पढ़ा ऊपर वाले octant में के embryo का जो octant है उसमें के ऊपर के जो चार cells हैं वो बना रहे हैं cotyledon और plumule और नीचे के जो चार cells हैं वो बना रहे हैं radical और hypocotyl. ठीक है, लेकिन ये radical को और थोड़ा सा develop करने के लिए कौन help करता है? Hypophysis help करता है. कौन help करता है? Hypophysis. ये hypophysis किधर था? ये आपका suspensor cell का जो सबसे ऊपर वाला part था, एम्ब्रियो के जस्ट नीचे वाला सेल, दिस इज हाइपोफिसिस. तो ये हाइपोफिसिस क्या करेगा? इट विल गिव राइज टू द पार्ट ऑफ रेडिकल एंड रूट कैप. और वही रूट कैप जब आपका सीड पूरी तरीके से ग्रो हो जाएगा, जब आप उसको मिट्टी में डालेंगे और जब उसमें से रूट निकलेगी तो वो रूट कैप रूट को सपोर्ट करेगी. ओके, सब्सिक्वेंटली द सेल्स इन द अपर टायर ऑफ ऑक्टेंट, मतलब अपर रीजन ऑफ ऑक्टेंट, डिवाइड इन सेवरल प्लेन्स सो एज टू बिकम हार्ट शेप, which then forms two lateral cotyledons and a terminal plumule. इसको अच्छे से देख लो क्या बोला गया है. हाइपोफिसिस ने क्या किया? रेडिकल का रूट कैप बनाया. अब धीरे धीरे करके हमारा जो ऑक्टेंट एम्ब्रियो था, ये जो ऑक्टेंट एम्ब्रियो था, ये और डिवाइड होगा और अब हार्ट शेप एम्ब्रियो बनाएगा. क्या बनाएगा? ये हार्ट शेप एम्ब्रियो. और वही हार्ट शेप एम्ब्रियो से हमको क्या देखने को मिलेगा? We will be able to see the development of cotyledons and plumule. See, that heart-shaped embryo will show us what? It will show us, one second, this heart-shaped embryo. ये heart-shaped embryo ऐसे shrink होके cotyledon बन जाएंगे. तो ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको, ऐसा cotyledon. Just like you can see over here. The heart-shaped embryo will show you the development of cotyledons and plumule. ये cotyledon जब stick हो जाएंगे, एक साथ चिपक जाएंगे, तो इसके ऊपर से ही plumule का structure बनेगा, जो अंदर की तरफ है. अगर आप textbook में देखेंगे तो थोड़ा आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा. Okay? So the heart-shaped octant gives, sorry, the heart-shaped embryo gives rise to what? It gives rise to cotyledons and plumule. Okay? Further enlargement of hypocotyl and cotyledons. धीरे धीरे करके ये कॉटिलिडॉन और हाइपोकोटाइल बढ़ते जाएंगे और वो टोटली बेंड हो जाएंगे. सो फर्दर एनलार्जमेंट ऑफ हाइपोकोटाइल एंड कॉटिलिडॉन्स रिजल्ट इन अ कर्वेचर. मतलब ये पहले ऐसा था एम्ब्रियो, हार्ट शेप, फिर ये थोड़ा बेंड हो गया, कॉटिलिडॉन बन गया, फिर ये और बेंड हो गया और ये अब सीड के अंदर आ गया. जो डायग्राम मैंने बनाया उधर, एग्जैक्टली उसका डिपिक्शन यहाँ पर दिया गया है. ओके, क्या बोला हमको कि ये जो कॉटिलिडॉन और हाइपोकोटाइल है, ये ग्रो होते जाएंगे और एक स्टेज ऐसा आएगा कि ये पूरी तरीके से कर्व हो जाएंगे, बेंड हो जाएंगे, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है इस डायग्राम में. यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके ये कोटाइल्स एकदम से कर्व हो चुके हैं, एकदम से बेंड हो चुके हैं और ये पूरी तरीके से एंडोस्पर्म को यूज कर चुके हैं. ओके, curvature of embryo and it appears horseshoe shape. तो हमको कैसा दिखाई देता है? और कि वो कुछ इस तरीके से हो गया है, वो cotyledon जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जो घोड़े की नाल होती है, यू शेप, इन्वर्टेड यू शेप या हॉर्स शू शेप. तो वैसा हमको दिखाई देता है कि हमारा एम्ब्रियो हॉर्स शू शेप का हो चुका है. सो दिस वॉज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स. मोनोकोटिलेडोन में भी सेम होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है उसमें. The embryo development is similar in both dicots and monocots up to the octant stage. मतलब पहला single zygote, फिर pro embryo बनेगा two cell का, फिर four cell का pro embryo बनेगा और फिर eight cell का octant बनेगा. फिर उसमें जो upper four cells हैं वो बनाएंगे plumule और cotyledon और नीचे के चार जो cells हैं, the lower tier cells, they will make what? Radical and hypocotyl. इधर तक same है dicot और monocot. डिफरेंस कहां पर आता है? द डिफरेंस अपियर्स लेटर, नेक्स्ट स्टेज में हमको डिफरेंस देखने को मिलता है. इन मोनोकॉट एम्ब्रियो सिंगल कॉटिलिडॉन ऑक्यूपाइज टर्मिनल पोजीशन. क्या बताया है हमको इधर पे? मोनोकॉट में क्या होता है? सिर्फ एक ही
देखो डायग्राम में देखो क्लियरली दिया गया है, यहां तक सेम है, फर्स्ट सेकेंड दिस स्टेज इज सेम। ओके, अब यहां पर ये भी सेम है, यहां पर आपको दिखाई देगा कि मोनोकॉटिलेडॉन में क्या हो रहा है कि एक सिंगल कॉटिलेडॉन निकल रहा है, जस्ट अ सेकेंड, या एक सिंगल कॉटिलेडॉन निकल रहा है। ओके, वन सिंगल कॉटिलेडॉन इज कमिंग आउट, सिंगल कॉटिलेडॉन। ओके, एंड दिस सिंगल कॉटिलेडॉन इंडिकेट्स दैट इट इज अ मोनोकॉट प्लांट। इसमें और एक इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, सिंगल शील्ड शेप कॉटिलेडॉन इज कॉल्ड एज स्कूटेला। जो सिंगल कॉटिलेडॉन है उसके ऊपर जो प्रोटेक्शन उसको दे रहा है उसको हम बोलते हैं स्कूटेला। द प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ प्लिम्यूल इज कॉल्ड सीलियोटाइल। मतलब कॉटिलेडॉन को प्रोटेक्ट करने वाले लेयर को बोलेंगे स्कूटेलम, और जो प्लिम्यूल को प्रोटेक्ट कर रहा है उसको हम बोलेंगे सीलियोटाइल। एंड दैट ऑफ रेडिकल इज कॉल्ड सीलोराइजा। ये तीनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ सीड, उसमें ये बार बार रिपीट होगा, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि एक ही कॉटिलेडॉन है, कॉटिलेडॉन को कौन प्रोटेक्ट करना है। मैं बस डायग्राम एक बार दिखा दूं तो यस, ये अंदर का कॉटिलेडॉन है, दिस इज योर कॉटिलेडॉन, सिंगल कॉटिलेडॉन। इसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, द आउटर लेयर स्कूटेला। दिस इज योर, दिस थिंग इज योर व्हाट, इट इज योर प्लिम्यूल। क्या है ये आपका प्लिम्यूल जो शूट बनेगा, सो इसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, सीलियोटाइल। ओके, और ये आपका क्या है रेडिकल, जिसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, सीलोराइजा। कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, सीलोराइजा। सो कॉटिलेडॉन को प्रोटेक्ट करता है स्कूटेलम, प्लिम्यूल को प्रोटेक्ट करता है सीलियोटाइल, और रेडिकल को प्रोटेक्ट करता है सीलोराइजा। फाइनली ओव्यूल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द सीड। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा ओव्यूल जो है कॉटिलेडॉन्स बन गए, रेडिकल्स डेवलप हो गए, प्लिम्यूल डेवलप हो गया, कॉटिलेडॉन बन गए, रेडिकल है, रूट कैप बन गया है, सब कुछ बन गया है, बस उसके कर्व होने की देरी है। जैसे वो कर्व हो गया तो ये पूरा का पूरा आपका बन गया सीड। और अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर एंडोस्पर्म बिल्कुल भी नहीं बचा है, एंडोस्पर्म सारा का सारा खत्म हो चुका है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एंडोस्पर्म की जरूरत क्यों पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने के लिए। सो हमारा सीड पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है एंड एंडोस्पर्म हैज बीन कंज्यूम्ड ऑलमोस्ट कंप्लीटली। आपका जो ओव्यूल था वो बन गया सीड, और जो ओवरी थी, मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है राइट, यहाँ पे ओव्यूल जो था ये बन गया आपका सीड, और ये ओवरी आपकी बन गई फ्रूट। ओके, सो फ्लावर से रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन हुआ, और फाइनली ओवरी आपका फ्रूट बन गई। सो दिस इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच गेव अस सीड एंड फ्रूट एज अ रिजल्ट। ओके, सो काफी ज्यादा डिटेल्ड टॉपिक था, हमने डाइकॉटिलेडॉन और मोनोकॉटिलेडॉन दोनों के एम्ब्रियो को कैसे डेवलप करते हैं वो देखा इसमें। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आई अंडरस्टैंड, लेकिन अगर आप इसको बार 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 देखेंगे, डायग्राम को बार बार देखेंगे, और जो अपर पार्ट में ऊपर वाले रीजन में टेक्स्ट बुक में डाइकॉटिलेडॉन डायग्राम के बाजू में जो लेबलिंग दी, अगर आपने वो ध्यान से समझ ली ना तो आपको ये कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सिर्फ आपको इसमें याद क्या रखना है जो मैं अब बोल रही हूँ, ऑक्टेव स्टेज जो होता है एम्ब्रियो का, ऊपर के चार सेल्स क्या बनाते हैं, प्लिम्यूल और कॉटिलेडॉन, क्योंकि यही चीज प्लांट में से निकलेगी ऊपर की तरफ, और जब आपका सीड ग्रो होगा नीचे की तरफ तो ऑक्टेव के नीचे की सेल्स क्या बनाएंगे, रेडिकल और हाइपोकोटाइल। अंडरस्टूड, ये चीज मत भूलना कि ऑक्टेव में के अपर फोर सेल्स बनाते हैं कॉटिलेडॉन और प्लिम्यूल, और लोअर टायर के फोर सेल्स बनाते हैं रेडिकल और हाइपोकोटाइल। ओके, और मोनोकॉटिलेडॉन में मुझे तीन लेबलिंग्स मैंने बताई, तीन इंपॉर्टेंट नाम, कि उनके कॉटिलेडॉन को कौन प्रोटेक्ट करता है, स्कूटेलम। ओके, उनके प्लूम्यूल को कौन प्रोटेक्ट करता है, सीलियोटाइल, और उनके रूट को, रेडिकल को कौन प्रोटेक्ट करता है, सीलोराइजा। अगर आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं
तो आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा टॉपिक को समझने में और एग्जाम में अटेम्प्ट करने में. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर 12th बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एज क्लियरली एज पॉसिबल. और नाउ आई एक्सपेक्ट सम डाउट्स फ्रॉम स्टूडेंट्स. तो अगर आपको कुछ डाउट्स होगा, आई होप ना हो, अगर होगा तो पहले एक बार अपना टेक्स्ट बुक थरली रीड करें. और फिर भी अगर आपको कोई आंसर नहीं मिल पा रहा है, देन प्लीज फील फ्री टू आस्क योर क्वेरीज इन अवर कमेंट सेक्शन. एंड इफ यू लाइक अवर टूडेज लेक्चर, देन नीडलेस टू से प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल. एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब येट, प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन. थैंक यू, सी यू.